बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जी आज खाने में मैंने बनाया है शिमला मिर्च और आलू, और मैंने शाम के टाइम अपना व्लॉग जो वो स्टार्ट किया है। तो ये शाम के बजे हैं, 4:30 बजे का टाइम होगा। आज मैंने खाना जल्दी बना लिया है इसीलिए कि मुझे जाना है अभी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और मैंने सालन वगैरह रख लिया है और मैं जाने लगी थी मार्केट, घर में कुछ सामान नहीं था तो बस मैं अभी मार्केट जाने लगी थी। और ये है अब्दुर्राफी, ये ट्यूशन जाएगा अभी और मैं कुछ सामान लेकर आऊँगी। सबूर को साथ लेके जा रही है, ये अपने ये दिखा रहा है कि देखो मैं आवारा लड़का हूँ, ये बता रहा है। तो सही है, अभी हम चलते हैं और बस फिर आके तो फिर मिलते हैं और अपना व्लॉग। अगर वहाँ तो वैसे नहीं बनाऊँगी, बहुत रश होती है, तो बस मैं निकलने लगी हूँ। बेक मैंने अपना रेडी कर लिया, बस मोबाइल रखूँगी। और सालन मैंने अभी आपको दिखाया था पक किया है, ये बंद करना। चले चले ये ले लिया, लाइट करते हैं। चले जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट। मार्केट में ये एक स्टोर है तो वहाँ से मैंने कहा चलो लोशन वगैरह देखते हैं कुछ भी यहाँ से मिलता है। और हाँ, मुझे एलोवेरा जेल लेना था, वो मैंने यहाँ से ख़रीदा है। बाकी जो सामान है वो मैंने बाहर मार्केट से लिए हैं, जैसे मसाले जो किचन के होते हैं, तो वो अभी हर बार हम लोग पॉन्ड्स का लोशन जो है वो लेते थे। तो इस बार मैं ना ये देख रही थी स्किन वाइट लोशन, तो ये क्रीम है तो ये देख रही थी, पर ये मैंने लिया नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं लिया, वो मैंने कहा चलो बाद में लेते, अभी घर में था तो बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ली। और बस यहाँ ये इसलिए अब्दुर्राफे जो है उसको मैं कोचिंग भेज के आई हूँ, और अब्दुल सबूर जो है वो मेरे साथ आया है। हम सिर्फ दोनों माँ बेटा आए हैं और बस जल्दी से लेंगे, फटाफट से सारा सामान लेंगे, इसलिए कि अब्दुल सबूर को जो है वो भी कोचिंग जाना है। तो बस यहाँ मैंने ले लिया, देख लें एलोवेरा जेल लिया है, इसकी मुझे एक नाइट क्रीम बनानी है तो अभी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। तो बस अभी यहाँ से सामान लेते हैं, बिल पे करते हैं। और फिर जी अब्दुल सबूर ने कहा कि मम्मा कुछ खा लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं वो चाट खाने के लिए, इरादा बनाया था कि चाट ही खाएंगे, तो चाट खाने के लिए यहाँ बैठ के चाट का जो है वो हमने चना चाट का जो हमने ऑर्डर है वो दे दिया है। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के तो वेट कर रहे थे, हमने कहा जल्दी जल्दी से आ जाए, इसीलिए कि सबूर कह रहा था कि मम्मा मुझे कोचिंग जाना है, फिर के देर हो जाएगी, तो इनकी ट्यूशन वाली बाजी जो है ना फिर वो देर हो जाए ना तो फिर वो गुस्सा करती है। तो बस यहाँ से आती है चाट और फिर खाते हैं और फिर चलते हैं। जो सामान था हमने ले लिया है और यहाँ से करवाएंगे चिंची, हमारे घर के आगे उतर जाती है तो वहाँ से हम बस अपने घर चले जाएंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से चाट जो है, चना चाट जो हम लोगों की आ चुकी है। मुझे ना चना चाट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे अब्दुल सबूर जो ऊपर मसाला डाल रहा है, चाट मसाला नमक, और हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो बस सभी खाते हैं, फटाफट से खाते हैं और फिर चलते हैं घर। घर जाके खाना तो मेरा पका हुआ है, खाने की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कहीं पर भी जाओ ना तो घर में खाना बना के चले जाओ तो फिर जी कोई फिक्र नहीं होती खाने की। तो इसीलिए मैं जब भी तब मैं तारिक रोड जब शॉपिंग पे गई थी तब भी मैं खाना बना के गई थी, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अब भी मैं खाना जब बना कर आई थी यहाँ तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसलिए कि ये हमारे घर अभी अभी आई हूँ। अभी मैंने गेट खोला, सामान रखा है तो बस जो ज़रूरत का मतलब सामान था मैं वो लेकर आ गई हूँ। और अभी इनको जल्दी से रखते हैं, आजकल आसिफ के पास बिल्कुल टाइम नहीं तो उन्होंने कहा कि आप खुद जा कर लेकर आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ इससे पहले कि लाइट चली जाए, और ये अबाया उठाती हूँ, इसको अंदर रखते हैं। और आपको टाइम अभी मैं नहीं दिखा सकती इसीलिए कि यहाँ से हमारी जो घड़ी है ना ये टूट गई है, यहाँ से पीछे से गिरी है और यहाँ पीछे पीछे गिरते गिरते यहाँ नीचे आके गिर गई है, तो जी वो टूट गई है। तो इंशाल्लाह अभी मैं न्यू ले लूँगी, तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है तो चलने देते हैं जब तक चलता है। और चले फटाफट से आटा गूंथते, लाइट चली जाएगी, बच्चों के लिए रोटी बना लो, ये चीज़ों को रखते हैं अंदर।
और जी फिर मैंने आटा गूंदा, बच्चों के लिए रोटी बनाई और साथ में बनाई चटनी पुदीने की। तो बस फिर बच्चों को खाना खिलाया और अब जी आप देख रहे होंगे लाइट चली गई है और ये जो आप देख रहे ना ब्लैंकेट, ये वॉश होने के लिए गया था, बहुत गंदा था, तो अब जी ये वॉश हो के आ चुका है। तो मैं देख रही थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ जो है ना वो हो चुका है। आप देख रहे होंगे कलर कितना प्यारा सा जो कलर है वो लग रहा है। बाकी सारे ब्लैंकेट जो हैं वो वॉश हो के आ चुके हैं। ये वाला जो आखिरी बचा था बस अब जी ये वाला भी ब्लैंकेट आ चुका है। तो बस अभी जब आसिफ आएंगे तो रोटी बनाऊंगी, बाकी जो है सारे काम हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हो चुका है रात के, मतलब 12 बजे का टाइम हो चुका है। खाना खा लिया है हम लोगों ने और बच्चे दोनों सो चुके हैं, आसिफ कहीं काम से गए हैं। तो जी मैं जो तारिक रोड से शॉपिंग करके आई थी, मैंने कहा चलो जी वो आप लोगों को दिखा दे वरना फिर रह जाती है अगर ज़्यादा देर हो जाए। तो कुछ ज़्यादा तो मैं लेके नहीं आई थी, बस मैं अपने लिए ये एक प्लाज़ो मुझे पसंद आ गया था ब्लैक। अगर ट्राउज़र प्लाज़ो होना तो बहुत सारे ऊपर कुर्ता कोई भी आप पहन सकते हैं। तो जी ये इसका मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने एक ये ट्राउज़र ले लिया है। आप देख ले इसके ये पाँच माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और एक सूट लिया है मैंने, कोई ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, तारिक रोड बहुत अच्छी मार्केट है लेडीज़ के ड्रेस के लिए बहुत अच्छी है। तो बस और एक मैंने अपना ये जो है ना सूट ले, ये कलर जो है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसका गला देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है और इसकी लेस लगी है, इसके बाजुओं में भी देख लें बहुत अच्छे बने हुए हैं और हाथ दामन पे भी लगी है। और ये भी कोई ज़्यादा महंगा सूट नहीं मैंने लिया, ये कितने का होगा ये आप बताएं मुझे कि ये सूट कितने का होगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। तो बस मैं यही शॉपिंग करके आई थी और एक आसिफ का लिया था ट्राउज़र मैंने, तो वो मैंने कल ही आपको दिखाया था और बस उन्होंने पहन लिया है तो वो तो अभी मैं दिखा नहीं सकती। और ये जी ये साथ में लेकर आई थी, ये लेकिन ये थी इसके सूट का ट्राउज़र है। तो बस ये ट्राउज़र बहुत अच्छा है, ये नहीं कि टाइट हो, नहीं बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। और कोई शॉपिंग नहीं की ईद वगैरह की, अभी वो तो शादी की जो शॉपिंग है ना अभी वो अभी हम लोग कर, अभी आसिफ के पास टाइम नहीं है, जब इनके पास टाइम होगा तो फिर इंशाल्लाह जी शादी की जो शॉपिंग है वो भी होगी। और ये बस लेकर आई, ये भी शादी के दिनों में किसी दिन पहन लूँगी, अच्छा सूट है। और बाकी मेरे को तो अपनी शॉपिंग कोई ज़्यादा मतलब के लेनी नहीं है, इसलिए कि मेरे पास अभी मेरे देवर की शादी हुई है, अभी एक साल हो गया होगा, पर अभी नहीं मैं अपने पता नहीं लेती हूँ कि नहीं लेती। बच्चों की तो लाजमी शॉपिंग करनी है, इसे बच्चों की तो लाजमी करनी होती है। तो बस जी आज का जो मेरा यही है छोटा सा व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इसीलिए कि मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और खुश रहे आप लोग जहाँ रहें, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।